गुड इवनिंग एवरीवन। हेलो, अगर आप मेरी आवाज सुन पा रहे हैं और मेरी स्क्रीन देख पा रहे हैं तो प्लीज एक यस में मुझे जवाब दीजिए चैट में। ओके गुड, थैंक यू नरेश, तुषार। ओके गुड, कहाँ कहाँ से जुड़े हैं सभी, जस्ट एक बार कंफर्म कीजिए। अमृतसर, नागपुर, हरियाणा, रांची, नवी मुंबई। गुड गाइस, ससराम, नासिक, केरला, धनबाद, सांगली, जमशेदपुर, हरियाणा, न्यू दिल्ली। ओके गाइस, थैंक यू। होपफुली कभी सभी से एक चांस मिला, अगर हम कुछ ऑर्गेनाइज कर पाए तो सभी से एक साथ मिलने की कोशिश करेंगे इन फ्यूचर, देखते हैं। अभी के लिए जस्ट इसलिए मैं चेक करता रहता हूँ कि कौन कहाँ कहाँ से हमारे साथ जुड़ रहा है, मुंबई, न्यू दिल्ली। थैंक यू एवरीवन। चलिए आज हम ये वेबिनार के बारे में बात करते हैं, जो हमारी ये चार वेबिनार की सीरीज है और आज हमारा पहला वेबिनार है जो है ट्रेडर साइकोलॉजी के ऊपर, डेवलपिंग ट्रेडर्स माइंडसेट। तो ये चार वेबिनार की सीरीज है, हमने चार वेबिनार लास्ट महीने किए थे और चार वेबिनार ही इस महीने हैं जो टेक्निकल के साथ हैं। और सभी के जो रजिस्टर आप कर सकते हैं और लिंक है, ये थर्सडे होगा और ये पहले ट्यूजडे को है, फिर थर्सडे और नेक्स्ट वीक अगेन ट्यूजडे और थर्सडे। तो दो इन दो हफ्तों में ये चार वेबिनार कवर होंगे विद इन अ जून मंथ। और यहाँ पर हम डिफरेंट चीजों और कॉन्सेप्ट्स के बारे में बात करेंगे और यहाँ पर आप डिफरेंट डिफरेंट चीजें यहाँ पर सीखेंगे। तो ज्यादा देर नहीं लगाएंगे, ये चीजों को कवर करेंगे। अगर जो भी क्वेश्चन होंगे आप एंड ऑफ द सेशन वो पूछ सकते हैं, जो हम क्वेश्चन आंसर सेशन रखेंगे। अभी हम इसको स्लोली स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पर जस्ट एक इन्फॉर्मेशन देने के लिए कि जो भी यहाँ पर इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड की जा रही है वो एक एजुकेशन पर्पज के लिए, उसके बेस पे कोई इन्वेस्टमेंट डिसीजन मत लीजिएगा। और ये ऑर्गेनाइज की जो ये जो वेबिनार की सीरीज है ये ऑर्गेनाइज की है टेक्निकल ने, तो एक ब्रोकर है जो मैं भी यूज करता हूँ पर्सनली, तो ऐसा नहीं कि मैं नहीं यूज करता हूँ, मैं रिकमेंड करता हूँ, मैं यूज करता हूँ इसलिए मैं इसको रिकमेंड करता हूँ। अच्छा ब्रोकर है, अगर आपको अकाउंट ओपन है और आप किसी और ब्रोकर को यूज कर रहे हैं तो भी ठीक है, अगर आप इसको यूज करना चाहते हैं कर सकते हैं। अगर लिंक है जो मेरे वीडियो के डिस्क्रिप्शन में, आप वहां से अकाउंट खोल सकते हैं, कोई प्रॉब्लम इश्यू आता है आप मुझे कॉन्टेक्ट कर सकते हैं। अब यहाँ पर बात करते हैं हम कि वो क्या क्या कवर करेंगे हम यहाँ पर। तो सबसे पहली चीज हम यहाँ पर कवर करेंगे कि ट्रेडर्स की जो साइकोलॉजी है, हम काफी चीजों के बारे में बात करते हैं, हम स्ट्रेटजी के बारे में बात करते हैं, ये स्ट्रेटजी और स्ट्रेटजी के बारे में बताइए, वीडियो और बनाइए, मेरे पास जो क्वेश्चन आते रहते हैं, इतनी सारी स्ट्रेटजी दी हुई है फिर भी और चीजें बताइए, पर जो मेन टॉपिक रहता है ये मेरा फेवरेट टॉपिक है क्योंकि इस चीज को सभी इग्नोर करते हैं, साइकोलॉजी के बारे में कोई ज्यादा बात नहीं करता है। तो हम यहाँ पर बात करेंगे ट्रेडर साइकोलॉजी क्या है, बिगिनर कैसे सोचते हैं मार्केट के बारे में जब वो मार्केट में एंटर करते हैं, प्रॉब्लम क्या क्या फेस करते हैं जब वो मार्केट में एंटर करते हैं, और कैसे फिर उसको डील करना चाहिए और कैसे अपने माइंड को मैनेज करना चाहिए, क्योंकि ये चीज भी बैलेंस नहीं होगी, साइकोलॉजी भी बैलेंस नहीं होगी। मेरी साउंड सभी को आ रही है, क्योंकि पोको मायंक जी चैट में लिख रहे हैं नो साउंड, क्या सभी को साउंड क्लियर है, प्लीज एक बार। यस, ओके, थैंक यू, सभी को क्लियर है तो प्लीज जिसको नहीं आ रही है आप दोबारा से ज्वाइन कर सकते हैं, अगर नहीं क्लियर है तो प्लीज हमारी तरफ से सब ठीक है, सभी को बाकी सभी सुन पा रहे हैं, ओके थैंक यू। तो ये चीजें हम यहाँ पर कवर करेंगे। तो स्टार्ट करते हैं सबसे पहले, तो जब भी अगर आप बिगिनर से स्टार्ट कीजिए, जब कभी आप बिगिनर थे, आप मार्केट को पहली बार पता चला था कि आप मार्केट में एंटर करना चाहते हैं, क्या सोचा था कि हाँ ट्रेडिंग आ जाएंगे, कोई आपको अच्छी सी स्ट्रेटेजी मिल गई, अब बस फटाक से अब कोई मनी प्रिंट करना शुरू कर देंगे, जैसे अब आपको क्या चाहिए, लैपटॉप, इंटरनेट, प्रिंट करेंगे और स्ट्रेटेजी आपको मिल गई है, जल्द से जल्द मनी आ जाएगी, बंगला ले लेंगे, गाड़ी ले लेंगे, सारा कुछ। यही मेरा, अगर आपने पहला वीडियो देखा होगा, ये चीजें मैंने बात की थी कि जब मेरा पहला ट्रेड लगा था वो कोई अच्छा था, 1000 यूरो के आसपास चला गया था, मेरे भी यही सपने बुनने, ऐसा ही कुछ होना शुरू हो गया था, पर रियलिटी जब पता चलती है जब मार्केट में धीरे धीरे आप जाते हैं, तो वही फेज मेरे साथ था। और यहाँ भी अगर कोई बिगिनर होगा वो इससे क्लियर रिलेट कर पाएंगे, जब पहली चीज आती है एकदम से स्ट्रेटजी, ओ अब ये सब चीजें आ जाएंगी, एकदम से सब कुछ लेना शुरू कर देंगे, क्योंकि आपके पास अब सिस्टम है, डिसिप्लिन है, कॉन्फिडेंस है, आप वर्क हार्ड करेंगे, प्लान करेंगे, मैनेज रिस्क, फेल, ट्रस्ट योर वर्क, और ये परफेक्ट प्लान है, अब आप इसमें कॉन्फिडेंस हो जाएंगे, मतलब कि अब आप इसमें ट्रेड कर सकते हैं, आपने डेमो में सब कुछ ट्राई किया है, स्ट्रेटजी भी काम कर रही है, तो चलिए अब चलते हैं कहां पर, मार्केट में। जब आप मार्केट में जाते हैं तो क्या होता है, काम नहीं करता है, जो डेमो में काम कर रहा था वो काम नहीं कर रहा है, प्रॉब्लम आ रही है, लॉस होना जरूर, वहां पर तो प्रॉफिट हो रहा था, वहां पर स्ट्रेटजी काम कर रही थी, यहां पर क्या हो गया,
वहां पर मैंने 3 4 6 महीने काम किया, प्रॉफिट कमाया, पर जैसे मैं रियल में आया तो वो काम ही नहीं कर रहा है। प्रॉब्लम क्या आ रही है? जो वहां पर मिस्टेक्स आप कंट्रोल कर सकते थे वो यहां पर नहीं हो रही। क्यों? क्योंकि यहां पर रियल मनी में आ गए आप, और जब आप रियल मनी में आते हैं तो इमोशंस, माइंडसेट, अब यहाँ पर स्ट्रेटजी सिस्टम तो सब कुछ है, पर आपका साइकोलॉजी वो नहीं है। वहां पर मनी इन्वॉल्व नहीं थी तो वहां साइकोलॉजी की प्रॉब्लम नहीं थी, यहाँ पर अब मनी इन्वॉल्व है क्योंकि अब आप पॉकेट से लूज करें, तो यहाँ पर इतने सारे इमोशंस आ जाएंगे कि जो सब कुछ वहां पर काम कर रहा था वो यहाँ पर काम करना कर देता है। और आप सोचते हैं ये हो क्या रहा है, यहाँ प्रॉब्लम क्या है। मेरे पास अभी भी क्वेश्चन आते हैं, मैं अभी भी जवाब देता हूँ, और ऐसे ये इंस्टाग्राम पर या ईमेल पर प्रॉब्लम आती रहती है इस तरीके। तो कुछ कुछ ये नहीं कि नई चीजें इन्वेंट हो गई, आप फाइंड आउट करते हैं कि अब क्या क्या है, क्या दिक्कत क्या है, क्योंकि आपने सारा कुछ तो अप्लाई किया फिर भी इशू क्या है। आप सोचते हैं मे बी कोई नया टीचर, कोई नया कुछ सिखाए, कुछ मेरा जिससे मैं सीख रहा हूँ वो मेरे को ठीक से नहीं सिखाता, किसी और को ढूंढता हूँ वो कुछ सिखाएगा। आप सोचते हैं नई स्ट्रेटजी, ये स्ट्रेटजी बेकार है यार, इतना काम किया काम ही नहीं कर रही है, 5 10 ट्रेड लेता हूँ उसके बाद काम ही नहीं करती है, कोई नई स्ट्रेटजी, या फिर कोई नया इंडिकेटर, ये इंडिकेटर ठीक नहीं है, दूसरा। और यही चीज बिगिनर्स का माइंडसेट यही रहता है, ये टीचर ठीक नहीं, ये ठीक नहीं सिखाता, दूसरे पे चलते हैं, ये स्ट्रेटजी काम नहीं कर रही, दूसरी दूसरी नहीं तीसरी स्ट्रेटजी के ऊपर काम करते हैं, मतलब उस चीज को ढूंढते रहे, या फिर इंडिकेटर, कौन सा इंडिकेटर यूज करें, कितने इंडिकेटर यूज करें, नया इंडिकेटर, नई चीज, पर जो पहली चीज है उसको भी परफेक्ट नहीं करना है। मतलब कि यही मे बी न्यू टीचर, मे बी न्यू स्ट्रेटजी, मे बी न्यू इंडिकेटर, वो काम कर जाए। आपको नया टीचर भी मिल गया, मान लीजिए स्ट्रेटजी मिल गया, इंडिकेटर मिल गया, आप फिर दोबारा से मार्केट में जाते हैं, चलिए ट्राई करते हैं, शायद इस बार जो पहले दरवाजा नहीं खुला था खुल जाए सिमसिम का, इस बार खुल जाए, आप ट्राई करते हैं, अगेन लॉस, फिर काम नहीं कर रहा है, कुछ दिन काम करता है प्रॉफिट में आता हूँ, फिर कोई प्रॉब्लम आनी शुरू हो जाती है, हफ्ता दो हफ्ता चलता है, 1 महीना चलता है, उसके बाद से अगेन फिर लॉस में, प्रॉब्लम आई जा रही है आई जा रही है। प्रॉब्लम क्या हो रही है? अब वही जो टीचर आपने ढूंढा था वो भी है, यही सेम सिचुएशन, जो टीचर भी काम नहीं कर रहा है, जो स्ट्रेटजी आपने ढूंढी थी वो स्ट्रेटजी भी काम नहीं कर रही है, जो इंडिकेटर ढूंढे थे वो भी काम नहीं कर रही है। डेमो में काम करते हैं, रियल में नहीं करते हैं, क्या होता है, सब कुछ भी काम नहीं कर रहा है, प्रॉब्लम कहाँ है? प्रॉब्लम कहाँ है कि कोई चीज कहीं पर खोई हुई है और आप उसको ढूंढ कहीं और पर रहे। अगर आप इसको डीपली समझे, प्रॉब्लम जो चीज कहीं पर खोई हुई है और आप उसको ढूंढ कहीं और रहे हैं, तो आपको मिलेगी। आप स्ट्रेटजी, इंडिकेटर, टीचर, इन सभी चीजें, मेथड्स, इन सबको ढूंढने पे लग रहे हैं, इन तो प्रॉब्लम पे काम करने पे सुन रहे हैं, पर प्रॉब्लम कहाँ है? आपके साइकोलॉजी, माइंडसेट, इमोशंस इनके ऊपर है, पर आप उसके ऊपर बात ही नहीं कर रहे हैं, उसके ऊपर सोच ही नहीं रहे, कोई और कोई इसके बारे में बताएगा भी, क्योंकि सबको जैसे ये है कि प्रॉफिट दिखाना है, हाँ प्रॉफिट अच्छा है ठीक है, ये टीचर अच्छा है, इंडिकेटर अच्छा है, और इसी के बारे में बात करते रहे। तो वही प्रॉब्लम ये है कि कोई चीज खोई कहीं हुई है और हम उसे ढूंढ कहीं और रहे हैं। अगर आपने इस टैगलाइन को समझ लिया तो फिर आप शायद इस जगह पे स्टेप लगाएंगे, आप अपनी प्रोग्रेस के लिए स्टेप उठाएंगे और शायद कोशिश करें कि प्रॉब्लम कहाँ पर है। अब बात यहाँ पर क्या आती है कि जब भी आप मार्केट में जाते हैं तो आप एक फिल्टर, जो माइंड होता है, जो आप जो भी कोई इंफॉर्मेशन आपके पास आ रही है, आपके ऊपर एक चश्मा चढ़ा हुआ है जो फिल्टर है, और जो आपको बताता है कि आप किस तरीके से देखें, वो आपको परसेप्शन बनाता है, क्योंकि माइंड चाहता है कि आप किस तरीके से उसको कंट्रोल करें, कि जो आउटकम वो चाहता है वो आपको दिखाना चाहता है, कि ये ट्रेड प्रॉफिट में जाना चाहिए, ये लॉस में जाना चाहिए, अगर ये प्रॉफिट में जाना चाहिए था ये लॉस में क्यों जा रहा है, तो आप उसको प्रॉफिट में देखना चाहते हैं, आप अपनी जो परसेप्शन है, फिल्टर है, उसको इन्फॉर्मेशन के ऊपर, मार्केट के ऊपर डालना चाहते हैं। मार्केट का इससे कोई लेना देना नहीं है, आपने कहां पर स्टॉप लॉस लगाया है, कहां पर आपने एंट्री लगी है, कहां पर आपका प्रॉफिट है, उसको इससे कुछ खबर ही नहीं, पर आपने अपना परसेप्शन, जो अपने फिल्टर है अपने, कि ये यहाँ पर एंट्री है, यहाँ पर एंटर करता हूँ मार्केट उसके अगेंस्ट जाना चाहिए, यहाँ से अगेंस्ट क्यों चलेगी, ये ऊपर क्यों चलेगी, हम उस रीजन के पीछे ढूंढना शुरू कर देते हैं, क्योंकि हम परसेप्शन जो हमने फिल्टर की, अब ये तो ऊपर जानी चाहिए थी मैंने एंट्री की है इसमें, या डाउन जानी की थी मैंने इसमें सेल किया था, मार्केट को क्या पता, मार्केट को आपसे इससे कुछ लेना देना नहीं है, तो हमें वो फिल्टर, हम वही चीजें देखना चाहते हैं, पर सीइंग इज नॉट बिलीविंग, जो आप देखना चाहते हैं वो उस पर बिलीव करेंगे तो क्या होगा। आप एक स्टोरी सुनी होगी जो एक किताब में आती थी, जब कभी आप 5वीं क्लास में या उसमें होते थे, एक गांव में हाथी आता था, अंधों के गांव में एक हाथी आता था, और वो सब एक एक पार्ट को छूते थे और कहते थे ये उसके पेट को देखिए तो दीवार है, उसकी पूंछ को ये रस्सी है, उसके पैर को ये तो पेड़ है, कोई उसके कान को छूता था वो कहता है पक्का है। आई होप आप सबको ये स्टोरी सुनी होगी और ये आपको याद होगी चाइल्डहुड से। तो वही हम क्या देख रहे हैं, जो हम बिलीव करते हैं,
जो हम बिलीव करते हैं, हमारा परसेप्शन है कि जो मेरी तरह, तो यहाँ पर अगर मैंने किसी दीवार से जो मेरी परसेप्शन है ये इस तरीके से लग रही है, ये दीवार है तो ये दीवार ही दिख रही है। तो जो आप बिलीव करते हैं वही आप देखना चाहते हैं, ये नहीं कि जो आपको दिख रहा है आप उसमें बिलीव करते हैं। तो प्रॉब्लम यही रहती है। अब सक्सेसफुल ट्रेडिंग में अगर आपको ट्रेडर बनना है तो यहाँ पर तीन फैक्टर, और वो जरूरी होनी चाहिए, तीनों का बैलेंस होना चाहिए। अगर एक भी चीज मिस होगी यहाँ पर प्रॉब्लम रहेगी। क्या? ट्रेडिंग सिस्टम, मैथडोलॉजी और ट्रेडिंग साइकोलॉजी। ट्रेडिंग सिस्टम आपका कोई भी प्लेटफॉर्म जहां पर आप ट्रेड करना चाहते हैं। पहले क्या होता था, आपको फोन करना होता था जब भी आप ट्रेडिंग करते थे। अब आपके पास क्या है, सीधा लैपटॉप है, कंप्यूटर, मोबाइल है, इंटरनेट कनेक्शन, कोई भी आपने MT4 या MT5 या आपने एप्लीकेशन पे ट्रेड करना, ओके सिस्टम करेक्ट है, सिस्टम में कोई प्रॉब्लम नहीं है। जस्ट फाइंड आउट करना है किस तरीके से अपनी कॉस्ट को कम करना है, बेसिक चीजों का आपको पता होना चाहिए। मैथडोलॉजी, कितना रिस्क मैनेजमेंट करना है, ये भी एक अच्छा टॉपिक है। इस प्रॉपरली आपको रिस्क मैनेजमेंट क्या, मेरी स्ट्रेटजी सारा कुछ उसके ऊपर आपने काम किया है। तीसरा फैक्टर ट्रेडिंग साइकोलॉजी, इस चीज को सब इग्नोर करते हैं, हम केवल ट्रेडिंग सिस्टम मेथोडोलॉजी इनके ऊपर ही घूमते रहते हैं, एक जगह से दूसरी जगह इसी में जंप करते रहते हैं, साइकोलॉजी के ऊपर जीरो। प्रॉब्लम कहाँ आती है, यहीं पर आती है, क्योंकि आप इन दोनों पर तो काम कर लेते हैं बट इसको मिस कर जाते हैं, और जब तक इसको काम नहीं करेंगे प्रॉब्लम आती रही। तो ट्रेडिंग साइकोलॉजी, सिस्टम ठीक है ओके, मैथोलॉजी ठीक है ओके, साइकोलॉजी नहीं है प्रॉब्लम है। एक भी चीज अगर ट्रेडिंग सिस्टम मैथोलॉजी और ट्रेडिंग साइकोलॉजी नहीं है, आप वही प्रॉब्लम में, अगेन इंडिकेटर भी मिल गया, टीचर भी मिल गया, स्ट्रेटजी भी मिल गई, फिर भी काम नहीं कर रहा। दोबारा से फिर ढूंढते हैं, टीचर को भी ढूंढा, स्ट्रेटजी को भी ढूंढी, फिर काम नहीं कर रहा, तो वो इसी साइकिल में घूमते रहेंगे। पर वो कहां प्रॉब्लम है, ट्रेडिंग साइकोलॉजी, क्योंकि अगर एक भी लिंक मिस है, अगर आप ताले का एग्जांपल लेते हैं, ये नंबर वाला एक ताला है, अगर इसमें से एक भी नंबर मैच नहीं करता है, ताला नहीं खुलता, और यहाँ पर वो एक लास्ट डिजिट रह जाता है कि ट्रेडिंग साइकोलॉजी। जब तक आपका वो नंबर मैच नहीं करेगा आपका ताला भी नहीं खुलेगा, आपकी स्ट्रेटजी भी नहीं खुलेगी, मतलब की काम करना नहीं करेगा। पर आप बाकी तीन नंबर, उन दो नंबर पे काम करते रहते हैं, इस वाले नंबर पे कोई काम नहीं, तो प्रॉब्लम आती रहती। अब फर्स्ट चीज आपको क्या करनी चाहिए जब भी आप साइकोलॉजी के ऊपर बात करें, तो पहले तो सिस्टम की हमने बात करी, दूसरा हम कह रहे हैं कि मैथडोलॉजी, आपको रिस्क मैनेजमेंट ये प्रॉपर होना चाहिए। तो आपको पहले ये सिक्योर होना चाहिए कि जो मैं लूज करना हूं उससे मैं कंफर्टेबल हूं, अपने आप को पहले सिक्योर करना होगा, तभी आप बाकी चीजों पर काम करेंगे। तो यहाँ पर अगर आपने अपने आप को सिक्योर नहीं किया तो आपका माइंड सेट, जो ट्रेडिंग माइंड सेट है, वो हमेशा के लिए लॉस हो जाएगा, वो कभी डेवलप नहीं हो पाएगा। और उस चीज को कैसे सिक्योर करना है, अपना रिस्क मैनेजमेंट प्रॉपरली, क्या मेरा रिस्क अमाउंट है, मैं कंफर्टेबल हूं, अगर कोई लूज भी हो तो कोई प्रॉब्लम नहीं, मैं अपना माइंडसेट नहीं लूज करूंगा, जो ट्रेडिंग माइंडसेट में डेवलप कर रहा हूं, लूजिंग आपको इफेक्ट नहीं करेगी। मेरे को तो यहाँ पर दो एग्जांपल मैं देता हूं। मुझे ये बताइए, जो मैं कुछ लोग देखने जाते हैं जानवरों, ये पहला तरीका है, ये दूसरा तरीका है, दोनों में से कौन सा सेफ है, किसमें रिस्क ज्यादा है, किसमें रिस्क कम है? एक में वो गाड़ी ऐसी बनाई हुई है, जो पहले वाले में आप देख रहे हैं, यहाँ पर उसने खुद को केज बना दिया, वो जा रहे हैं जंगल में देखने, और शेर उनके पास भी आ जाता है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। दूसरा, यहाँ पर वो ओपन गाड़ी में जा रहे हैं और शेर के बीच में जाते हैं, तो कहाँ पर ज्यादा रिस्क रहेगा, फर्स्ट में या सेकेंड? सेकेंड में। अगर एक लेमैन लैंग्वेज में आप कहें कि सेकंड में, हम आप अपने आप को ओपन कर रहे हैं, भले ही उनके पास बंदूक हो या राइफल हो, जो भी हो, आप उससे बचा सकते हैं, पर चांसेस हैं किसी के कुछ इंजरी हो या कोई मर भी जाए, फैटलिटी भी हो सकती है। पर पहले सिस्टम में यहाँ पर कोई रिस्क नहीं है, इतना रियल रिस्क नहीं है, क्योंकि आप उसके पास भी आ रहे हैं, तो इनसाइड है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, उसके पास कोई ऐसी चीज नहीं है उसको भी ब्रेक कर दे, यहाँ पर रियल रिस्क इन्वॉल्व है। तो वही, जब तक आप अपने आप को पहले सेफ नहीं करेंगे, जहां पर आप अपने आप को रिस्क कम नहीं करेंगे, तो आप अपने आपको जहां पर उस सिचुएशन में डालेंगे जहां पर आपका माइंड, ट्रेडिंग माइंड सेट जो डेवलप होना था, वो नहीं हो पाएगा, क्योंकि फिर आप इमोशंस में खेलेंगे। तो पहले अपने आप को पहले सिक्योर करना पड़ेगा, अपने आप को उस जगह पे पहुंचाइए कि यहाँ पर मुझे लगे कि कोई रिस्क इन्वॉल्व नहीं है। आपको लगता है कि मैं यहाँ पर $100 लॉस कर दूंगा, $200, पर मैं उससे कंफर्टेबल नहीं हूं, तो उसको कम कीजिए। अपनी मेथडोलॉजी अपने लेवल पे लेके आइए, मेरे एपेटाइट क्या है। कोई एक आदमी है जो दो रोटियां खाता है, एक आदमी चार रोटियां खाता है, एक छह में कंफर्टेबल है, तो वही सबकी अपनी अपनी अलग एपेटाइट है। मैं $50 में कंफर्टेबल हूँ, कोई जो $100 में है, कोई $200, सबकी अपना अलग अलग। किसी को $1000 लूज करने पे भी फर्क नहीं पड़ेगा। तो वही, जहां पर आपको सिक्योर होना का पहले अपने आप से, कि जहां पर मैं फील सिक्योर फील करूं, उसके बाद फिर बाकी चीजें। तो पहली चीज है ये। दूसरा, सेकेंड इम्पल्स,
जब भी आप जाएं, क्या है ह्यूमन नेचर क्या है, एकदम से कहीं भी एक अनसर्टेन सिचुएशन में पहुंच जाते हैं तो हम रिएक्ट करते हैं जो बिल्कुल ही अलग ही तरीके से, जो आपने प्रोसेस सारा कुछ फॉलो करना था वो सब कुछ भूल जाते हैं और एकदम से इम्पल्सिव रिएक्ट करते हैं। आपने देखा होगा एक हिरन को क्या होता है, जब भी गाड़ी चलाते हैं हिरन के ऊपर लाइट पड़ती है वो भाग एकदम से भागता है, कहाँ भागता है, गाड़ी के सामने, उसे ये नहीं पता होता कहाँ जाना होता है, वो सबसे पहले गाड़ी के सामने लाइट के सामने ही भागता है और अपने आप को वहीं पे वो एक्सीडेंट ही होता है। और वही चीजें हम करते हैं जब ट्रेडिंग में हम आते हैं, हम क्या करते हैं एकदम से बिना कुछ सोचे अर्जेंसी, प्राइस ऊपर जा रहा है एकदम से न्यूज आए, चलिए एंट्री करें, ट्रेड करें, प्रॉफिट कमाना है आज ही कमाना है, अर्जेंसी। प्रोसेस क्या था, सिस्टम क्या था, रिस्क मैनेजमेंट क्या था, सब गया, क्या कहें फनी वर्ड नहीं लेना, बेकार वर्ड नहीं लेना चाहूंगा, पर वही वो सब कुछ को भूल जाते हैं और एकदम से एकदम एंटर करना है, ट्रेड करना है, ट्रेडिंग करना है। तो सिस्टम क्या था आपका, प्रोसेस क्या था आपका, आपने क्या रूल फॉलो करने थे, क्या आपने चेकलिस्ट बनाई थी, क्या आपका रिस्क मैनेजमेंट, क्या वो चीज सब चीजें आपने फॉलो की या नहीं, जस्ट एक अर्जेंसी में इम्पल्सिव कहां पर जाते हैं, वही आप हिरन की तरह ही हैं फिर, जो भागेगा सीधा लाइट के सामने ही, और क्या होगा एक्सीडेंट, तेरा कहीं लॉस क्यों हुआ, है ना। तो प्रॉब्लम यही आती रही, सब मेरे साथ है, जस्ट मैं चैट में देख रहा हूं, इट्स ओके अगर मेरी स्पीड ठीक है या मैं स्लो या ज्यादा तेज बोल रहा हूं, ऐसा कुछ है या मैं ज्यादा भाग रहा हूँ, ज्यादा जल्दी बोल रहा हूँ या थोड़ा स्लो चल रहा हूँ, ठीक है सबको ओके ओके थैंक यू। थैंक यू एवरीवन, थैंक यू। चलिए तो इम्पल्सिव, तो पहला आपको अपने आपको सिक्योर करना पड़ेगा, अपनी एपिटाइट को पता करना होगा, दूसरा इम्पल्सिव डिसीजन उसको अवॉइड करना होगा, नहीं तो आप वही फिर हिरन की तरह जो मैंने एग्जाम्पल दिया। और जब आप बार बार ट्रेड लेते रहेंगे, इस तरीके से ट्रेड लेते रहेंगे, फिर अपने आप ही आपका एक ये सेल्फ बिलीव बनता चला जाएगा, क्योंकि आपके लूज होते चले जाते हैं। और इसी तरीके से बिगिनर क्या होते हैं, मार्केट में आते हैं और फिर वो आउट ही हो जाते हैं कि मैं ट्रेडर नहीं, मेरा यही आप अपने आप को रिपीट करते रहते हैं कि मैं फेलियर हूँ, मेरे सारे ट्रेड फेल जाते हैं, ये स्ट्रेटेजी भी काम नहीं करती, वो स्ट्रेटेजी को भले ही कोई और उससे प्रॉफिट कमा रहा हो आप नहीं कमा पाएंगे, फिर आपका बिलीफ उस तरीके से बन जाता है, आप अपने आप को बार बार रिपीट करते रहते हैं, आप सिस्टम को इग्नोर कर देते हैं, और डाइवर्जेंस जो आती है ना RSI में, वही आपकी डाइवर्जेंस आनी शुरू हो जाती है कि जो स्ट्रेटजी करना चाहती थी आप उसको फॉलो नहीं करते हैं और ट्रेड को छोड़ लेते हैं। आपने 5-10 ट्रेड में स्ट्रेटजी को फॉलो किया, बाद में लॉस आने शुरू हो गए, देखा तो आप स्ट्रेटजी कुछ और थी, फॉलो आप कुछ और कर रहे हैं, क्योंकि स्ट्रेटजी का ही नहीं पता है, और आपने अपने आप को रिपीट कर रहे हैं कि मैं तो लूजिंग ट्रेडर हूँ, लूजिंग ट्रेडर हूँ, वही सेल्फ बिलीफ आपका बनता चला जाएगा और उस चीज को आपको अवॉइड करना होगा, नहीं तो प्रॉब्लम वही है, सिस्टम को फॉलो नहीं करेंगे, डाइवर्जेंस आती चली जाएगी। सो स्टेबल करना होगा यहां पर, अगर आप स्टेबल नहीं करेंगे और अपने आपको रेगुलेट नहीं करेंगे इमोशंस को, जब तक आपके ऊपर इमोशंस हाई रहेंगे प्रॉब्लम रहेगी, भले ही आप स्ट्रेटजी कितने से अच्छी अच्छी लेके आ जाइए, सिस्टम कितना अच्छा हो, आपका काम नहीं करेगा जब तक आपका माइंडसेट ठीक नहीं रहे। और उसके आपको अगर आपका माइंडसेट ठीक जगह पे नहीं रहेगा तो क्या होगा, इमोशंस हाईजैक कर लेंगे, आपको पता नहीं, वही फाइट मोड में आप आ जाएंगे, फिर वही एकदम से वो कुछ कहेगा, अरे ट्रेड है, प्राइस आया, एकदम से गया, एंट्री लीजिए। अगर आपने इमोशंस को कंट्रोल नहीं किया तो वही इमोशंस बार बार, वही फाइट मोड, फिर उस वो माइंडसेट ठीक नहीं है ट्रेडिंग के लिए, वो आप फिर कभी भी डेवलप नहीं कर पाएंगे। तो इमोशंस को रेगुलेट करना है, अगर वो रेगुलेट नहीं करेंगे क्या होता है, जब आपने ट्रेड लिया क्या करेंगे फिर आप, अरे मैंने छोटी एंट्री ली, प्राइस और नीचे जा रहा है, और एंट्री ले लेता हूँ ताकि मेरा एवरेज कॉस्ट हो जाए, और नीचे चला जाता है और कर लेता हूँ, वो लॉस जो था, वो डिफाइंड रिस्क था, वो और बड़ा होता चला जाता है, इधर उधर भागते हैं, क्या करें, नहीं देखता हूँ, किसी और पेयर में उसको हैजिंग कर लेता हूँ, मतलब कि सब चीजें आप अपनाई करते हैं। आप अपने आप को देखिए उस टाइम पर, अगर ऑब्जर्व करिए, मैं कहता हूँ आप मोबाइल की रिकॉर्डिंग कीजिए, जब भी आप ट्रेडिंग करें ना तो 1 या 2 घंटा जब भी आप बैठे अपने आप को रिकॉर्ड कीजिए कि कैसे आप बिहेव करते हैं, कि अगर आप लूजिंग और लूजिंग ट्रेड आए तो और भी अच्छा होगा, आपको पता चलेगा कि कैसे आप ट्रेड, आपके एक्शन इसी तरीके के होंगे जो आप यहाँ पर इस पिक्चर में देख रहे हैं, कि इधर उधर भागे, ये क्या हो रहा है कि एंट्री कर रहा हूँ, ये सारा कुछ इस तरीके के एक्शन, और उस टाइम पर बस आप यही कर रहे होंगे प्लीज डिपॉजिट एक बार तो रह जाओ इस ट्रेड, वो वहां पर भी नहीं रहेगा, क्योंकि इमोशंस को अपने अपनी बॉडी को, जब तक आप अपनी बॉडी को ऑब्जर्व नहीं करेंगे, हार्ट रेट देखिए, सबसे पहले क्या होता है यही चीजें, आप देखिए अपनी बॉडी कैसा बिहेव कर रही है, हार्ट रेट कैसे कर रही है, टैपिंग तो नहीं हो रही है, क्योंकि ये चीजें सब आनी शुरू हो जाती है सबसे पहले, जब भी इमोशंस आएंगे
आपके बॉडी पे होंगे, और इसलिए मैं कह रहा हूँ अपने आपको रिपोर्ट रिकॉर्ड करके देखिए, कॉमन होंगे। अगर आप 5-6 बार अपने आपको रिकॉर्ड करेंगे, आपके जो बिहेवियर होंगे ना पैटर्न कॉमन होंगे, कि क्या कर रहा हूँ, क्या मैं नाखून चबाने लग रहा हूँ, बाल खुजाने लग रहा हूँ, या मैं पैर को हिलाने लग जाता हूँ, वो बार बार टैप इस तरीके से लाते हैं, या फिर हार्ट रेट अगर आप मेजर करते हो अपनी बैंड से, तो उस टाइम पे देखिए आपका हार्ट रेट कितना हो जाएगा। कुछ लोग होते हैं जो प्रोफेशनल होते थे, वो अपने एक रबड़ की बैंड रखते थे कि अपनी कलाई पे, जैसे ही उनके हार्ट रेट ऊपर जाती थी, अपने आपको पिंच करते थे ताकि वो काम हो जाए, उस टाइम उस अपने लैपटॉप या उससे उसके आगे से हट जाए ताकि वो काम हो जाए, क्योंकि वो यही होता है फिर आप इधर उधर भागते हैं और इस तरीके से इम्पल्सिव डिसीजन इस तरीके के लेते हैं, तो प्रॉब्लम वही आती है फिर, इमोशंस आपके ऊपर इतने हाई हो जाते हैं कि आपको पता नहीं होता कि मैंने ट्रेड क्यों लिया। सो व्हाट नीड टू बी फिक्स, को फिक्स क्या करना हो, तो उन इमोशंस को ना आए आपके ऊपर, वही आपको ऑब्जर्व करना होगा। तो सबसे पहले ऑब्जर्व योर बॉडी, अपने बॉडी को ऑब्जर्व कीजिए क्या हो रहा है, कैसे वो बिहेव कर रही है, क्या मैं डिफरेंट तरीके से बिहेव कर रहा हूँ, क्या मेरी हार्ट रेट बढ़ रही है, क्या मैं हाथों से या पैरों से जो मैंने बताया अलग अलग तरीके से बिहेव कर रहा हूँ, जो कि नॉर्मल काम, अगर आप नॉर्मल हो किस तरीके से बिहेव करते, अगर कर रहे हैं उस चीज को ऑब्जर्व कीजिए। दूसरा, वो माइंड तक ना चला जाए, अगर वो माइंड पे चला गया आपके इमोशंस आ जाएंगे, फिर आपको वो ट्रेडिंग पे ले जाएगा। बिफोर इट गोज टू आपके माइंड सेट में वो ना जाए, उसी से पहले उसको डिस्टर्ब करना होगा, या तो अपने लैपटॉप से हट जाइए, या अपने प्लान को देखिए कि मेरा प्लान क्या है, या फिर देखिए चेक कीजिए या पढ़िए क्या मैं अपने प्लान को फॉलो कर रहा हूँ, या मार्केट मेरे हिसाब से, या मैं कुछ और डिफरेंट कर रहा हूँ। बंद कर दीजिए 5-10 मिनट के लिए, आपको ट्रेडिंग नहीं करना, दोबारा आइए फ्रेश माइंड सेट से आइए, नहीं तो वो फिर बॉडी से आते हुए आपके माइंड सेट पे आ जाएंगे, उसको हाईजैक कर लेंगे, प्रॉब्लम आना शुरू हो जाएगी, अगेन सेम साइकिल में फिर आप फंस जाएंगे। तो बॉडी को ऑब्जर्व कीजिए कैसा बिहेव कर रही है, और माइंड जाने से पहले उसको डिस्टर्ब करना, नहीं तो इमोशंस आपके पास कंट्रोल नहीं होगी। तो यही सबसे पहली चीज है आपको ऑब्जर्व करना हो, और प्रेजेंट में रहना हो, क्योंकि क्या होता है जब ट्रेडिंग करने हम कहीं और ही पहुंच जाते हैं। आप देखिए एक सिंपल ये एग्जांपल है, एक कुत्ता और आदमी बैठा हुआ है, अगर आदमी को देखा हो क्या उसकी ड्रीम हमेशा यही चलती रहती है, वो फ्यूचर में रहता है या पास में रहता है, तो फ्यूचर में तो गाड़ी लेनी है, वेकेशन पे जाना है, बंगला बनाना है, पैसे कमाना है, कुत्ते को देखिए सीधा कि यार यहाँ पे बैठना है प्रेजेंट। हम यही रहता है कि हम प्रेजेंट में नहीं रहते, हम उस स्टेट में रहेंगे, वो जस्ट पता नहीं कहाँ के कहाँ चले जाते। अगर उस टाइम पे आप प्रेजेंट में रहें, क्या प्रोसेस है, क्या सिस्टम है, क्या मेरा रिस्क है, क्या अकॉर्डिंग टू प्लान है या नहीं, मुझे लेना चाहिए, चेकलिस्ट नहीं है, ओके पास, सेकेंड ट्रेड मिलता है ठीक है, नहीं मिलता है ठीक है, मार्केट 24 आवर ओपन है, 5 डेज ओपन है, आज नहीं मिलेगा कल मिलेगा, कल नहीं मिलेगा परसों मिल जाएगा, जबरदस्ती तो ट्रेड नहीं करना है, पर वही उसके लिए आपको प्रेजेंट में रहना होगा। आपको ये जस्ट एक ही दिन में वो हवाई किला नहीं बना, वो उस अगर उस प्रोसेस में चले गए तो प्रॉब्लम आना फिर शुरू हो जाती है। सो नोइंग योर माइंड एंड डेवलपिंग, ये मेन इंपॉर्टेंट है। आपने देखा होगा द ग्रेटेस्ट फिनिशर MS धोनी, क्या फर्क है कि ये अच्छे से फिनिश कर पाते थे, बाकी नहीं फर्क, क्योंकि वो वही माइंड सेट का स्किल, इनसे धोनी से अच्छे और भी प्लेयर होंगे मैं कहूंगा, पर जो माइंड सेट है वो उस जगह पे वो सबसे हावी था, कि धोनी के पास जो था माइंड सेट था, पता था कोई नो फियर, कोई प्रॉब्लम नहीं है, उसे पता है अपनी स्ट्रेटजी क्या है, अनसर्टेनिटी है कि हाँ 20 बॉलों पे 50-60-70 रन बनाने, उसे पता है उसका एज क्या है, वो जितना एंड तक लेके जाएगा उसको वो निकाल लाएगा, और होगा भी यही कि 100 में से 60-70% वो जिता के लेके आता है, क्योंकि माइंडसेट कंट्रोल में है, उसे पता है उसका एज कहाँ पर है, कहाँ पर वो सॉलिड है, और कहाँ पर बॉलर वीकनेस दिखाएगा, और कहाँ पर वो विन कर सकता है। तो वही फेसिंग अनसर्टेनिटी विद पेशेंट माइंडसेट विद डिसिप्लिन, अपने सिस्टम को फॉलो कीजिए, मार्केट कुछ भी करे आप अपने प्रोसेस को फॉलो कीजिए, वीक आएगी बॉल, वो वही यही काम करता था, वही आपको मार्केट में करना है, कि आपकी क्या है सिस्टम, क्या है प्रोसेस, क्या है रिस्क मैनेजमेंट, क्या है, अकॉर्डिंग टू दैट अपॉर्चुनिटी मिल रही है रिस्क, अगर इमोशंस कंट्रोल नहीं आ रहे हैं, बॉडी ऑब्जर्व नहीं है, ओके छोड़िए मार्केट, दोबारा देखेंगे, अभी नहीं करते दोबारा ट्रेड करेंगे, आज नहीं करते कल करेंगे, अपने एज पे काम खेल, अपने एज पे खेलिए, आप अपनी स्ट्रेंथ पे खेलिए ना कि अपनी वीकनेस, और वीकनेस को अपनी स्ट्रेंथ बनाने की कोशिश करिए तो और भी बेटर रहे। तो यही इसीलिए वो ग्रेट फिनिशर बन पाया। तो समरी गाइज, मैं यही कहूंगा जो मैं आपको यहाँ पर बताना चाहता हूँ, कि आप सर्फर को देखते हैं कि जो भी सर्फर है क्या वो कभी वेव्स को कंट्रोल करता है, कभी उसका मकसद ये नहीं होता कि वो वेव्स को कंट्रोल करे, वो हमेशा जस्ट कोई वेबसाइट कौन सी उसके लिए अच्छी है और वो किस तरीके से उसके ऊपर सर्फ कर सके। तो यहाँ पर भी वही है, एनी फील्ड, कोई भी फील्ड ले लीजिए, आपको अपना जो स्किल है उसके ऊपर प्रैक्टिस करनी होगी, वो स्किल है, स्ट्रेटेजी है सारा कुछ, पर उसके साथ साथ आपके इमोशन, माइंडसेट,
ये चीज आप इसको भी इग्नोर नहीं कर सकते हैं। दूसरा, अगर आपको परफॉर्मेंस माइंडसेट सिस्टम है तो वही आपको डिलीवर रिजल्ट करेगा। आप लूजिंग और विनिंग पर नहीं जाएंगे, आप अपनी परफॉर्मेंस के ऊपर काम करेंगे कि मेरा ये प्रोसेस है, ये इसको मुझे फॉलो करना है, उसका एंड रिजल्ट लूजिंग हो विनिंग हो वो बात की बात, आप उसके ऊपर नहीं सोचेंगे। ये हम वही परसेप्शन फिल्टर नहीं लगाना है कि मुझे इससे विन ही विन करना है। अगर आप उसके ऊपर जाएंगे तो प्रॉब्लम आएगी। प्रोसेस परफॉर्मेंस और अनप्रिपेयर्ड माइंड टू अनसर्टेनिटी वन विल बी डिजास्टर। तो आपका माइंड आपको प्रिपेयर करना होगा, और मार्केट तो है ही अनसर्टेन, हमें कोई नहीं बता सकता, प्रेडिक्ट कर सकता, ये जैसे गैस है कहां जाएगी ऊपर नीचे नीचे, आपका क्या एज है और आप उसके हिसाब से चलेंगे, और आपका माइंड प्रिपेयर है उस सिचुएशन के लिए। अब आप अनसर्टेन सिचुएशन में इस तरीके से बिहेव ना करें जिस तरीके से वो डियर, जब वो लाइट आती है तो लाइट की तरफ ना भागे, और ऑब्जर्व कीजिए माइंड और बॉडी को, कीप इट कूल, ताकि आप अपना ट्रेडिंग माइंडसेट डेवलप कर सकें, ताकि आप फाइनली उस फील्ड में आगे प्रोग्रेस कर सकें। तो जस्ट बेसिक चीजें ये अगर आप इस वेबिनार से लेना चाहें तो ले सकते हैं, जो आप समझ सकें, जो लाएंगे ये। और जैसे मैंने बोला था, चीजें जो कहां पर खोई हुई है उसे वहीं पर ढूंढिए। प्रॉब्लम स्ट्रेटजी सिस्टम के साथ नहीं है, साइकोलॉजी के साथ आती है। अगर आपके सिस्टम मेथोलॉजी सही जगह पर है तो साइकोलॉजी के ऊपर काम कीजिए। अभी के लिए मैं आपसे थैंक यू, धन्यवाद जिन्होंने भी यहाँ पर ज्वाइन किया। अभी मैं आपके यहाँ पर क्वेश्चन लेना चाहूंगा। अगर आप नए हैं, फॉरेक्स सैलरी का चैनल है, आप जो वहां पर ज्वाइन कर सकते हैं, वहां पर भी अच्छे वीडियो मैं डालता रहता हूँ, वहां पर एजुकेशनल वीडियो है, फोरकास्ट है। कोई क्वेश्चन है आपके, forexsalary.india@gmail.com, आप मुझे इस पर कॉन्टैक्ट कर सकते हैं, या मेरा इंस्टाग्राम का चैनल है, वहां पर मेरे साथ चैट कर सकते हैं। कोई क्वेश्चन आता है वहां पर आप मुझे या डाउट जो भी है वहां पर मैं रिप्लाई करने की कोशिश करता हूँ विदिन 1 or 2 days, या फिर टेलीग्राम इन्फॉर्मेशन पर्पज के लिए। तो जो भी लिंक है वीडियो यूट्यूब के डिस्क्रिप्शन में है, वहां से ज्वाइन कीजिए, क्योंकि काफी फेक चैनल बने हुए हैं, तो मैं कोई कॉल या सिग्नल इस तरीके से प्रोवाइड नहीं करता हूँ, जस्ट एजुकेशन पर्पज के लिए ही आपको यहाँ पर मोटिवेट करता हूँ। तो अभी मैं आपके क्वेश्चन लेना चाहूंगा, आप Q&A सेक्शन या चैट में वहां पर पूछ सकते हैं जो भी आपके क्वेश्चन। पहले मुझे बताइए आपको वेबिनार कैसा लगा, ये साइकोलॉजी के ऊपर कुछ नॉलेज मिली आपको, नहीं मिली? अर्जुन जी, थैंक यू अर्जुन जी, वेरी यूजफुल। सलमान सिंह, या थैंक यू, इट वाज यूजफुल। स्विंग ट्रेड के लिए कौन सा टाइम फ्रेम यूज कर सकते हैं? स्विंग ट्रेड, राकेश जी अगर पास जाएंगे क्वेश्चन में कवर नहीं कर पाऊंगा, स्विंग ट्रेड के लिए आप 4 आवर डेली यूज कर सकते हैं। दानिश हुसैन, नाइस, थैंक यू। आकेश हुसैन जी, वेबिनार बहुत अच्छा, थैंक यू, आउटस्टैंडिंग इन्वेस्टमेंट फॉर फ्यूचर रेफरेंस, थैंक यू, इट्स रियली हेल्पफुल वेबिनार, थैंक यू दीपक जी, ओके गुड, नाइस सेशन वेबिनार दशरथ, उस पर सभी का धन्यवाद, एटलीस्ट आपको कुछ यहाँ पर सीखने को मिला। मनीष पोसाली जी, सर बोर्ड ट्रेडिंग पर ट्रेडिंग करें क्या? देखिए, अगर आपने बोर्ड ट्रेडिंग का क्या मेथोडोलॉजी है, किस तरीके से वो काम करती है उसको पता है, पहले उसको डेमो में टेस्ट कीजिए। भले ही जस्ट किसी ने बेच दिया आपको, उसको लेके चल रहे हैं क्या, फिर आप किस चीज पे, क्या आप उस पर बिलीव करते हैं या नहीं, तो मैं नहीं रिकमेंड करूंगा। वेरी हेल्पफुल प्रहलाद जी, थैंक यू जी जी, थैंक यू। तस्सार पुटाकरी, थैंक यू, वेबिनार गुड, थैंक यू, टू हेल्पफुल। अजीत शर्मा जी, ओके सर, आप फॉरेक्स से इनकम सोर्स, सर आपका सिर्फ फॉरेक्स नहीं, मेरा मल्टीपल है, मैं यूट्यूब भी है, तो यूट्यूब से भी है थोड़ा बहुत, पर मेन मेरा जो है ट्रेडिंग का ही है, जो ट्रेडिंग से चलता है, क्योंकि मैं जॉब नहीं करता हूँ, मैं जॉब छोड़ चुका हूँ, तो बाकी ये ब्रोकर्स हैं कुछ, ये भी देते थोड़ा बहुत, हमारी भी दुकान चल जाती है, दुकान कह रहे हैं कि मतलब कि अगर मल्टीपल सोर्स है तो ठीक है, पर मेन जो है मेरा ट्रेडिंग का ही। दानिश सुनिश्चर, इंट्राडे में टाइम फ्रेम, इंट्राडे के लिए 1 hour 15 minutes बेस्ट है, आप वहाँ पर यूज कीजिए। अर्जुन सिंह पवार, सर प्लीज टेल मी समथिंग अबाउट टिकमिल। देख, टिकमिल ब्रोकर बहुत अच्छा है, 3 videos मैंने बनाए हुए उनके ऊपर, वहां पर आप यूज कर सकते हैं, उनके ऊपर डिटेल बताएं, अकाउंट कैसे ओपन करना है, क्या चीजें हैं, रिव्यू किया हुआ आप वहां पर देख सकते हैं, इसको मैं काफी टाइम से यूज कर रहा हूं, तो ऐसा कुछ नहीं। रीना वर्मा, सर आपकी वॉइस बहुत पावरफुल है, सुनकर पॉजिटिव फील, थैंक यू रीना जी, टू सी यू इन यूट्यूब। विशाली जी, आप मेरी फॉरेक्स सैलरी नाम का चैनल है, जैसा कि आप स्क्रीन पर देख सकते हैं, वहां पर इसको फॉलो कर सकते हैं। पुष्पर शर्मा जी, टू से समथिंग अबाउट इंटरडे ट्रेडिंग इन फॉरवैक्स, मैं समझा नहीं इसको। अर्जुन सिंह जी, ओके, देवेश कुमार, नॉलेजेबल वेबिनार, थैंक यू अर्जुन सिंह कन्वर, थैंक सर, थैंक यू।
राकेश दुबे जी, सर 4 आवर से 1 आवर टाइम फ्रेम में कौन सा मूविंग एवरेज यूज करें? ठीक है, मूविंग एवरेज तो कोई भी जो भी आप यूज करेंगे वो उसी हिसाब से एडजस्ट हो जाता है। अगर आप 4 आवर में यूज करेंगे तो वो 4 आवर की एवरेज लेगा, 1 आवर में लेंगे तो उसकी एवरेज लेगा, तो सभी जगह पर वो एडजस्ट हो जाता है। तो 20 आप मूविंग एवरेज ले सकते हैं, 50 ले सकते हैं, सबकी अलग अलग है। मैंने वेबिनार बनाया हुआ है मूविंग एवरेज के ऊपर, आप उसको देखिए। सर ऐसे में क्या होना चाहिए इंट्राडे के लिए? ऐसे में सिंपल मूविंग एवरेज आप 20 ले सकते हैं, 9 फास्ट चलेगी, आप उससे नीचे मत जाइएगा। मिनेश मसाले, थैंक यू फॉर आंसर, थैंक यू। सोलोमन सुनील, इज देयर एनी वे टू फॉलो योर ट्रेड्स? देखिए मैं पहले थोड़े बहुत ट्रेड डालता था, पर आप थोड़ा कुछ बिजी हो गए हो तो अपने ट्रेड्स नहीं डाल पा रहा हूँ, पर इन फ्यूचर मैं डालूंगा, पर मैं सिग्नल नहीं देता हूँ। अगर मैं अपने ट्रेड जस्ट आपको देने लगूंगा, आप जस्ट मुझे ब्लाइंडली फॉलो करेंगे, आप कुछ नहीं सीखेंगे, और ये मेरा पर्पज नहीं है। शुरू से मेरा पर्पज यूट्यूब पर ये नहीं था कि मैं जस्ट ब्लाइंडली फॉलो कर रहा हूँ कि आप मुझे फॉलो करना शुरू करिए। अगर आप आते हैं, आप सीरियसली जाते हैं तो सीखे इस चीज को और आप कर सकते हैं, जस्ट टाइम देना हो, ठीक है। और इसीलिए एजुकेशनल स्ट्रेटेजी वगैरह सब वहां पर भी डालता रहता हूँ। हेलो सर, आप हमें ट्रेंड ट्रेडिंग काउंटर ट्रेडिंग सिखाइए, बट कभी मार्केट में रहते हैं महीना और सो रेंज ट्रेडिंग का फुल वीडियो बनाइए। तो मैं रेंज जरूर ऐसा होगा आने वाले कुछ दिनों में, मैं लाइव आया करूंगा। जैसे हमने शुरू किया था पहले भी, तो वो टाइम की वजह से नहीं कर पाया, तो हर हफ्ते में एक बार लाइव हम जरूर आएंगे, एनालाइज करेंगे साथ में। अगर कोई ट्रेड देखना होगा आपके साथ भी, वहां पर हम शेयर करेंगे, तो जरूर कोशिश करेंगे कि हम दोबारा से उसको स्टार्ट करें। सर जॉब कब छोड़ना चाहिए ट्रेडिंग के लिए? जब आप, राकेश जी बहुत अच्छा क्वेश्चन है, मेरा भी ये हो चुका है, तो यही बताना चाहूंगा, जब आपकी इनकम कंसिस्टेंटली 3 या 4 महीने की आपकी ट्रेडिंग की इनकम आपकी जॉब की इनकम से ज्यादा ना हो जाए, तब आप जॉब छोड़ें, और आपके पास सेफ बैलेंस हो, आप जस्ट प्रेशर माइंड से ट्रेडिंग में ना आए कि मेरे को आज इसी से कमाना है, मुझे मोबाइल का बिल पे करना है और उसके लिए मुझे ट्रेडिंग करनी है, तो फिर प्रॉब्लम। प्रेशर से नहीं करना है, इजी माइंडसेट से, जो आज का भी इसी तरीके से कि इमोशंस नहीं लेके आना है। सर आप कौन सी ट्रेडिंग करते हो, स्विंग इंट्राडे या कौन सा टाइम फ्रेम ठीक है? देखिए मैं स्विंग ज्यादा प्रेफर करता हूं, क्योंकि मेरे पास अगर ज्यादा टाइम नहीं होता है, टाइम है अगर मैं 1-2 घंटा देख सकता हूं, तो इंट्राडे भी मैं करता हूं। सोनमल सुनील, थैंक यू। ओके थैंक यू। Is there any price difference with different Tickmill servers? ऐसा कुछ नहीं है, प्राइस डिफरेंस है, थोड़ा बहुत स्प्रेड का फर्क रहता है और कुछ ज्यादा नहीं है। दानिश हुसैन जी, सर नेक्स्ट टाइम डायरेक्ट कॉल करने का मौका दीजिए। डायरेक्ट कॉल मैं ज्यादा नहीं लेता हूँ, देखिए मेरी भी पर्सनल लाइफ है, मैं उसको बैलेंस रखना चाहता हूँ। जैसे मैंने बोला, इंस्टाग्राम पे आप इससे चैट कर सकते हैं, कोई डाउट हो, कोई प्रॉब्लम हो, आप इंस्टाग्राम पर पूछिए, जस्ट चैट के लिए, मतलब कि मैं टाइम पास करने के लिए वहां पर आपको जवाब दूंगा, पर कोई डाउट जनरल कोई प्रॉब्लम है इंस्टाग्राम पर मुझे कीजिए, विदिन अ डे और नेक्स्ट डे तक आपको रिप्लाई जरूर दूंगा, या फिर ईमेल में मुझे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। तो यही दो मेन सोर्स हैं जहां पर आप मुझे एक्चुअल में कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। कॉल के लिए देखिए मैं पर्सनल लाइफ में पूरे दिन फिर कॉल ही करता रहूंगा, ना मेरी कोई ट्रेडिंग रहेगी ना कोई पर्सनल लाइफ रहेगी। सुनील, थैंक यू सुनील जी। विशाल मेहता, प्राइस एक्शन कैसे एनालाइज कैसे करें सर? ओके, कुछ स्ट्रेटेजी बनाई हुई है, दिखाई हुई है, आप वहां पर देखिए, काफी स्ट्रेटेजी दी हुई है मैंने यूट्यूब पर, जैसे अप्लाई कीजिए, टेस्ट कीजिए उनको। नरेश जी, मैं आता हूँ Q&A सेशन में, मैं पहले यहाँ पर चैट भी देख रहा हूँ, क्योंकि चैट में वो चल रहा है, तो Q&A को भी मैं कवर कर दूँ। आकाश उसरे जी, सर आपका कितने अकाउंट साइज पर ट्रेड करते हो? देखिए मेरे डिफरेंट अकाउंट्स हैं, डिफरेंट ब्रोकर्स में भी हैं, तो मैं आप ज्यादा टिकमिल का वेबिनार है तो कुछ ओपनली नहीं बोल सकता आगे के लिए, तो डाइवर्सिफाई कैपिटल को क्या, अगर जब आपकी बड़ी कैपिटल हो तो आप डाइवर्सिफाई कर सकते हैं, तो सभी में अलग अलग है, छोटे से भी हैं बड़े से भी हैं। अगर छोटा अकाउंट है तो रिस्क ज्यादा भी ले सकते हैं, बड़े अकाउंट में तो वहां पर रिस्क तो 1% 2% इससे ज्यादा भी नहीं लिया जाता, क्योंकि वहां पर वो मूवमेंट वो बड़ा हो जाता है। सर फॉरेक्स ट्रेडिंग को एज ए कैरियर ले सकते हैं, पर सीरियसली टाइम दीजिए। आप बाकी प्रोफेशन को टाइम देते हैं दीपक जी, 2-3 साल देते हैं, डॉक्टर इंजीनियर इसको भी दीजिए, पर साइड बाय साइड कर सकते हैं। इसके लिए आपको जॉब या कुछ स्टडी कुछ छोड़ने की जरूरत नहीं है, जैसे मैंने जॉब के साथ किया, अगर मेरा पहला वीडियो आपने देखा होगा, आप भी साइड बाय साइड कीजिए, और जब आपको लगे कि आप कॉन्फिडेंस हो सकते हैं दोबारा से इसमें, फिर आप इसमें ट्रांसफर कर सकते हैं, तो सीखिए साइड बाय साइड और कैरियर आप उसमें बना सकते हैं। ओके, मैं कहां पर लूज कर गया क्वेश्चन। राकेश जी, सर लोग कहते हैं कि फॉरेक्स ब्रोकर पे भरोसा नहीं कर सकते हैं। देखिए वो ब्रोकर रेगुलेटेड अच्छे हो, आप ट्रेडिंग करेंगे तो आपको पता चल जाएगा कि हाँ कहीं वो मैनिपुलेट तो नहीं कर रहे या ट्रेड में, तो जब आप करेंगे तभी आपको पता चले। कोई कुछ कहे बिना कुछ एक्सपीरियंस के तो फिर उसको बिलीव मत कीजिए। मैं यहाँ पर कोई 2-3 या ब्रोकर ही आपको अच्छे बताता हूँ जो ठीक है, आप उसको यूज कर सकते हैं। उसके अलावा भी और अच्छे हैं, पर वहाँ पर प्रॉब्लम है डिपॉजिट की वगैरह की, विड्रॉल की, जो मैंने वीडियोस में बनाए हुए हैं, तो आप वहाँ पर देख सकते हैं। सर कैन यू सजेस्ट एनी बुक्स? बुक्स के लिए मैंने अभी एक वीडियो बनाया हुआ है, वहाँ पर 4 वीडियोज के लिंक है, आप उनको डाउनलोड कर सकते हैं, देख सकते हैं। आने वाले दिनों में प्लान है बनाने का, पर वो पेंडिंग है,
वो जरूर ही मैं जल्दी जल्द अपने YouTube पर डालूंगा और उनके लिंक भी दे दूंगा, आप वहां पर इसको डाउनलोड कर सकते हैं। सर जो भी आपने साइकोलॉजी पर बताया, रियल मार्केट में जाते हैं तो कोई भी चीज याद नहीं रहती, क्या क्या फॉलो करना है, पैनिक हो जाते हैं तो सब भूल जाते हैं, इमोशन कंट्रोल नहीं कर पाते हैं। आज का सेशन बहुत अच्छा था और आपने जो भी टिप्स बताए वो फॉलो करूंगा। थैंक यू सो मच, थैंक यू इर्षित, मैं आपका नाम अगर ठीक से पढ़ पा रहा हूँ, थैंक यू आपकी फीडबैक के लिए। देखिए कॉमन प्रॉब्लम यही रहती है कि भाई सब कुछ ये था, पर जब वहां पर नेट में प्रैक्टिस तो बहुत कर ली, जब रियल जाते हैं वहां पर लास्ट बॉल पे छक्का मारना और नहीं लगता है वो। देखिए प्लान को फॉलो कीजिए, प्रोसेस कीजिए, एक रूटीन बनाइए और उसको फॉलो कीजिए, नहीं तो प्रॉब्लम आती रहे। पर थैंक यू आपके कमेंट्स के लिए। सर स्मार्ट मनी कॉन्सेप्ट के बारे में वीडियो जरूर, उसके ऊपर भी बहुत दिनों से पेंडिंग है, मेरी एक लिस्ट है जो वीडियो बनाने हैं, पर काफी चीजें हैं जो नहीं बन पाती हैं, पर जो वो काफी टाइम से है। सर आप एक वेबिनार मैकडी पर किया और आपने डिफॉल्ट सेटिंग के अलावा 5-8 दिन का भी बताया था RSI में, वो इस कुछ बताया RSI में भी इसका कुछ है क्या? देखिए वही फास्ट है, वहां पर जितनी आप सेटिंग को चेंज करते जाएंगे उसको फास्ट करने के लिए वहां पर वो किया हुआ है, वो दोनों को एक साथ कंबाइन करके मैंने वहां पर बताया हुआ था कि आप दोनों को एक साथ यूज कीजिएगा, क्योंकि अगर दोनों से आप सिग्नल मिलते हैं तो वहां पर एक्यूरेसी बढ़ जाएगी, एक में मिलेगी एक में नहीं मिलेगी तो वहां पर नहीं यूज कीजिएगा। आप वेबिनार में देखिएगा तो आपको डिटेल में पता चलेगा, दोबारा देख सकते हैं। सर ऑक्टाफैक्ट सही है, ठीक है आप यूज करना चाहे कर सकते हैं, मैं बिगिनर के लिए कहूंगा आप यूज कर सकते हैं, पर बड़े लेवल पे मैं नहीं कहूंगा कि आप उसको यूज करेंगे, रेगुलेशन वाइज केवल उनके पास एक ही रेगुलेशन है, तो यूज करते हैं, मैं उसके अगेंस्ट में नहीं हूँ, आप यूज कर रहे हैं ओके ठीक है, आपको कोई प्रॉब्लम नहीं है, डिपोजिट विड्रॉल सब मिल रहा है ठीक है, यूज करते रहिए। सर जी फोरेक्स में मैक्सिमम ट्रेड माइक्रो में करना चाहिए या मिनी में करना चाहिए, माइक्रो या मिनी लॉट की बात कर रहे हैं? देखिए लॉट आप अपने हिसाब से डिसाइड कीजिए, रिस्क के हिसाब से, तो जितना कम रहेंगे उतना बेटर, आपका रिस्क पहले से डिसाइड रहेगा, आप कंफर्टेबल रहेंगे, तो वही अपने आप को पहले सेव करें, सिक्योर करें, ताकि आप उससे ज्यादा ना लूज हो सके। रिस्क टू रिवॉर्ड कितना होना चाहिए? एटलीस्ट 1-5 रखें, 1.5 माई मतलब कि अगर मैं $100 का रिस्क लगा रहा हूँ, 150 तो मुझे एंड ऑफ द डे मिले, अगर मैं मेहनत कर रहा हूँ और मुझे इतना भी नहीं मिल रहा है तो फिर फायदा क्या है? सर मेरा $500 का अकाउंट है पर ट्रेड रिस्क परसेंटेज कितना रखें? मैंने एक वीडियो बनाया था फॉरेक्स कैलकुलेटर का, ठीक है ना, आप उसको देखिएगा। और एक चीज और मैं आपको बताना चाहूंगा, जुलाई के फर्स्ट वीक में मैं यहाँ पर कुछ काम कर रहा हूँ और एक सरप्राइज, यहाँ पर आप काफी चीजें एक जगह पर देख पाएंगे, तो उस चीज के ऊपर मैं काम कर रहा हूँ, तो वहां पर आपको ये सब चीजें आंसर सब जगह एक जगह पर मिल पाएंगे, तो एक सरप्राइज चीज का आप वेट कीजिए जुलाई के मंथ में, तो यूट्यूब पर वो आने वाला है। सर Q&A 1 आता हूँ मैं, अगर चैट पे यहाँ पर क्वेश्चन कवर कर पाऊँ, मेरे पास ज्यादा टाइम नहीं होगा, अभी है हमारे पास 10 मिनट्स। कौन सा टाइम बेस्ट है ट्रेडिंग के लिए? टाइम बेस्ट है, अगर टाइम बात कर रहे हैं तो US का टाइम बेस्ट है या फिर लंदन सेशन बेस्ट है, दोनों में से अगर आपको मिल जाए तो बेटर। सर आप इंडिकेटर का कितना सपोर्ट देते हैं ट्रेड में या फिर प्योर प्राइस एक्शन? प्योर प्राइस एक्शन को देखिए, इंडिकेटर आप कंफर्मेशन के लिए यूज कर सकते हैं, इतना बेटर रहेगा, तो ठीक है इंडिकेटर को ले सकते हैं, यूज कर सकते हैं, बट जस्ट इंडिकेटर के बाद आप प्राइस देखें, इंडिकेटर नहीं मिला तो फिर थोड़ी प्रॉब्लम है, प्राइस को भी देखिए, प्रेफरेंस इंडिकेटर को साथ में यूज कीजिए। सर जी प्राइस एक्शन के लिए कौन सा इंडिकेटर यूज करूँ? मैंने काफी स्ट्रेटजी वेबिनार किए हुए हैं जहाँ पर स्ट्रेटजी शेयर की है, आप वहां पर देख सकते हैं कौन कौन से इंडिकेटर मैंने यूज किए हैं और सबके ऊपर कुछ ना कुछ वीडियो बनाए हुए हैं। सर करेंसी का कोई एनालिटिकल टेबल? एनालिटिकल टेबल मैं समझा नहीं, किस तरीके से आप जानना चाहते हैं? सर मेरा मतलब है कि RSI में भी MACD की तरह ही क्या अदर सेटिंग है? जी हाँ RSI में भी आप डाउन सेटिंग कर सकते हैं, तो उसमें भी आप अगर फास्ट करना चाहें तो उसको या 9, 14 या 21 जो आप करना चाहें वहां पर कर सकते हैं। दीपक पासवान जी, सर मार्केट में हम अपॉर्चुनिटी कैसे ढूंढे कि हम ट्रेड ले सकते हैं, बाय की या सेल? आप स्ट्रेटजी देखिए, क्या आपकी स्ट्रेटजी प्लान के अकॉर्डिंग, अगर वो बन रही है तो लीजिए, नहीं बन रही है तो मत लीजिए। आप करेंसी स्ट्रेंथ मीटर, मैंने एक वीडियो बनाया हुआ था, आप करेंसी स्ट्रेंथ मीटर को देख सकते हैं, वहां से कौन सी करेंसी अच्छी है डाउन है उसके हिसाब से फिर आप ट्रेड ले सकते हैं। ओके कुछ क्वेश्चन हमारे Q&A सेशन में, वहां पर मैं देख लेता हूँ। व्हाट आर पेड इंडिकेटर्स, आर दे नेसेसरी टू बिकम बेस्ट ट्रेडर और दे आर यूजलेस? मैं नहीं कहूंगा कि आपको पेड इंडिकेटर यूज करने की जरूरत है या पेड इंडिकेटर लेने की जरूरत है, आप चाहें तो यूज कर सकते हैं, मैं नहीं यूज करता हूँ, प्राइस एक्शन इनफ है इंडिकेटर सपोर्ट के लिए, दैट्स इनफ। राकेश दुबे जी सेकेंड एम ये मैं नहीं समझा, ओके जी सर, मैं सर मैं साइकोलॉजी में बहुत प्रॉब्लम है, मैं सब सीखने के बाद भी एक क्वालिटी ट्रेड नहीं ले पा रहा, बस मार्केट को देखता ही रह जाता हूं, मुझे क्या करना चाहिए?
अजीत जी, एक स्मॉल से स्मॉल ट्रेड लीजिए, जितना स्मॉल ले सकते हैं, पर उसमें कोशिश ये कीजिए कि प्रोसेस आप पूरा फॉलो करेंगे कि ये मेरी स्ट्रेटजी है, ये मेरा प्लान है, ऐसे मुझे एंट्री लेनी है, इतना रिस्क लगाना है, इतना प्रॉफिट लगाना है, स्मॉल से स्मॉल, ठीक है। रिस्क अगर उसमें आप 50 सेंट्स भी लें या 80 सेंट्स भी लें, ठीक है, कोई प्रॉब्लम, क्योंकि लूज भी कर जाएंगे, कोई प्रॉब्लम नहीं, और उसको फॉलो कीजिए। आपने एक ट्रेड लिया, टिक कीजिए, दूसरा लीजिए, रिस्क को उतना ही रखिए। तो पहले 10 ट्रेड आपके उसी हिसाब से, अगर आपने 10 ट्रेड परफेक्टली ले लिए तब आप रिस्क बढ़ाएंगे। अगले दस ट्रेड में आप वन उसका जो आपने 20 सेंट्स लिया था तो उसको 40 सेंट कर सकते हैं। तो इस तरीके से कंफर्टेबल होइए। अगर आपके 10 ट्रेड कंफर्टेबल है, परफेक्ट कर लिया आपने, फिर आप नेक्स्ट ट्रेड में 10, अगर आपने कोई गलती की 10 ट्रेड में, दोबारा से स्टार्ट कीजिए। अगर मेरा पॉडकास्ट सुनते होंगे तो ये चीजें मैंने बताई हुई है, वहां पर मैंने बताया हुआ है चीजों के बारे में। दिलीप व्याल जी, सर मेरा अकाउंट एक्सनेस में है, आपके मेंबर्स में कैसे करना है? तो मुझे ईमेल में लिख दीजिए, forexsalary.india@gmail.com है, तो इस पर आप मुझे ईमेल दे दीजिए, मैं आपको बता दूंगा। अगर कोई प्रॉब्लम आती है वहां पर, फिर डिपॉजिट विड्रॉल में मैं आपकी हेल्प कर पाऊंगा। नरेश कुमार जी, सर अपना प्रॉफिट फंडिंग आउट का कोई पर्सनल एक्सपीरियंस शेयर कर सकते हैं? उसके ऊपर मैं एक वीडियो बनाऊंगा, कुछ मैंने यहाँ पर अभी लिए हुए हैं, नए अकाउंट साइनअप किए, जैसे फंडेड नेक्स्ट था या माई फॉरेक्स फंड है, या फिर एक और FI%, तो उनके ऊपर मैं वीडियो बनाऊंगा जल्दी आने वाली। अजय शर्मा जी, मैं 2 दिन से ट्रेड ढूंढ रहा हूँ, बट आई कांट सी, तो जरूर, ओके, कोई प्रॉब्लम नहीं है, तीसरे दिन ढूंढेंगे, 5 दिन है, अगर नहीं मिलता है तो मत लीजिए। अगर आपके सेटअप के हिसाब से ट्रेड नहीं मिल रहा है तो मत लीजिए, ओके। यहाँ पर मैं चैट में वापस आता हूँ, अगर कोई कमेंट्स रह गए हैं, ओके। वंस अगेन माय क्वेश्चन सर, अबाउट व्हिच ब्रोकर इज बेस्ट फॉर मैक्सिमम डिपॉजिट एंड विड्रॉल, प्लीज टेल मी द नेम ओनली। देखिए, यहाँ पर मैं ट्रिपनल के वेबिनार पे हूँ तो ओपनली इस चीज को नहीं ले सकता हूँ, ठीक है ना अर्जुन जी? आप मुझे ईमेल में पूछेंगे तो वहां पर मैं बता पाऊंगा, अभी तो यहाँ पर मैं केवल ट्रिपनल को ही बता पाऊंगा, तो आपसे ऑनेस्ट। तो ईमेल एड्रेस है मेरा, यहाँ पर आप देख सकते हैं, आप इस पे पूछ सकते हैं क्वेश्चन। राकेश दुबे जी, सेंसर, ओके। इंडेक्स में कब तक ट्रेड कर सकते हैं? जब आप करना चाहे तो ब्रोकर के साथ, जब तक मार्केट खुली है वहां पर आप ट्रेड कर सकते हैं। कौन सा टाइम बेस्ट है एंटर करने के लिए, एनालिसिस कैसे करूं, कौन सा टाइम है बेटर? देखिए, अगर आप बिगिनर हैं तो हायर टाइम फ्रेम से स्टार्ट कीजिए, आप 4 आवर को लीजिए या 1 आवर, इससे नीचे मत जाइए। जितना नीचे जाएंगे वॉलेटिलिटी ज्यादा रहेगी, बिगिनर आप हैं तो प्रॉब्लम आना शुरू हो जाएगी आपके साथ, क्योंकि आप उस तरह की वॉलेटिलिटी या इमोशंस के साथ ट्रेड करने के लिए अभी काबिल नहीं है, अगर बिगिनर है तो हायर टाइम फ्रेम में रहिए और उसी पे स्टिक रहिए। एक टाइम फ्रेम, पॉडकास्ट में मैंने बोला हुआ है 10 स्टेप टू बिकम अ बेटर ट्रेडर, वो मैं कहूंगा कोई भी बिगिनर ट्रेडर है, अगर अगर वो ट्रेडिंग स्टार्ट करना चाहते हैं सीरियसली, वो 10 स्टेप को तो जरूर फॉलो करें। और पॉडकास्ट मैंने यूट्यूब पर डाले हुए, प्लीज उनको सुनिए और मुझे बताइए आपको उससे कुछ हेल्प मिली या नहीं। ओके, कौन सा टाइम बेस्ट है एंटर करने के लिए, एनालिसिस कैसे करूं, और ये मैं बता चुका हूं। ओके, सर आपकी जर्नी पर जो वीडियो है वो देखी है मैंने, बहुत इंस्पायरिंग है। और सर आपको कभी अगर टाइम मिलेगा तो प्रोक्रास्टिनेशन पर एक वीडियो बनाए प्लीज, आप अपना डे कैसे स्पेंड करते हैं आप सर, यूट्यूब, फॉरेक्स, पर्सनल लाइफ सब कैसे मैनेज करते हैं, खुद को मोटिवेट कैसे रखते हैं आप, ये सब पर प्लीज एक वीडियो बनाए, इंस्टाग्राम पर एक वीडियो बनाकर डाल दीजिए। ओके, थैंक यू जी फीडबैक के लिए, डेफिनेटली काफी अच्छी रिकमेंडेशन है आपकी, मैं जरूर करूंगा। जैसे मैंने बोला, कॉल तो मैं बिल्कुल ही नहीं लेता हूँ ताकि मैं अपना पर्सनल लाइफ मेंटेन कर सकूं, और जो रिप्लाई भी मैं करता हूँ ये तो सेम डे नेक्स्ट डे तक मैं जरूर कर देता हूँ। तो प्रायोरिटी मेरी रहती है कि आपको टाइमली रिप्लाई भी मिल जाए और बाकी चीजों को मैं बैलेंस कर पाऊँ, ट्रेडिंग को या यूट्यूब वगैरह जो भी है, या ये वेबिनार मैं यहाँ पर कर रहा हूँ आपके साथ जो एजुकेशन है, तो सब चीजों की प्लानिंग तो मेंटेन करना। और डेफिनेटली अगर टाइम मिला तो मैं जरूर इसके ऊपर कुछ ना कुछ आपके साथ शेयर करूँ। अजय शर्मा, थैंक यू सो मच, थैंक यू अजीत जी, होपफुली आप उस 10 ट्रेड को फॉलो कर पाएंगे। ये सभी के लिए, अगर कोई ऐसा फेस कर रहा है तो जरूर 10-10 के ब्लॉक लीजिए और उस तरीके से ट्रेड कीजिए। धर्मजीत सिंह जी, सर कई बार पेयर स्टॉप लॉस हिट करके फिर टारगेट भी हिट कर देता है। देखिए, अगर आपके पास कितने ट्रेड हुए हैं, 1-2 में हुए तो कोई बात नहीं, हो जाते हैं, स्टॉप लॉस हिट होते हैं, ऐसा कोई ट्रेडर नहीं है जिसके नहीं होते, मेरे भी होते हैं, प्रोफेशनल ले रहे हैं, बहुत बड़े बड़े हैं, सबके हिट होते हैं, ऐसा कुछ नहीं है। बात हुई है रिस्क मैनेजमेंट करना और किस तरीके से फिर आप ट्रेड लेते हैं। अगर आप बार बार ही हिट हो रहे हैं फिर तो कोई जेन्युइन ही प्रॉब्लम है, फिर तो आपको एडजस्टमेंट करनी पड़ेगी, पर 1-2 बार, 2-3 बार होते हैं 10 में से तो फिर कोई प्रॉब्लम नहीं है। सोलोमन सुनील जी, सर आई हैव बिजनेस अकाउंट, हाउ टू मर्ज विद यू? जैसे मैंने बोला, ईमेल पे मुझे कॉन्टैक्ट कीजिए, forexsalary.india@gmail.com, मैं आपको वहां पर हेल्प करूंगा।
कोई प्रॉब्लम आती है फिर आप मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं। राकेश फोर्सेस, सर आपकी बातों से बहुत कॉन्फिडेंस मिलता है। थैंक यू राकेश जी, यही एक एफर्ट है कि आपको यहाँ पर इंकरेज कर सकूँ, मोटिवेट कर सकूँ, कुछ सिखा सकूँ। जो भी टाइम आप यहाँ पर आए, मेरे साथ बिताएं, कुछ सीख के जाएं, कुछ लेके जाएं, उसको अप्लाई कर सकें, तो यही एक मोटिव है यहाँ पर। मैं Q&A में देखता हूँ और कोई क्वेश्चन है वहां पर। नरेश कुमार, सर फॉरेक्स में प्रॉफिट फ्रॉम फंडिंग अकाउंट से होने वाले इनकम पर भी फेमैक की रेगुलेशन लगती है। देखिए फेमैक की रेगुलेशन, पहले आप उसको समझिए वो क्या है, उसके अकॉर्डिंग आप ट्रेडिंग के लिए बाहर इंडिया से पैसे नहीं भेज सकते। ब्रोकर क्या है, आपसे इंडिया में पैसा ले रहे हैं तो कोई आप वॉल्यूशन नहीं कर रहे हैं। वहां पर भी आप यही चीजें कीजिए कि आप फंडिंग फर्म में अगर अकाउंट ले रहे हैं तो एक लिमिट है। अगर आप डिपॉजिट के लिए कर रहे हैं तो एक ही बार करेंगे या दो बार आप अकाउंट लेंगे तो उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, पर जब पेमेंट करें तो फिर आप बैंक कार्ड या सीधा डायरेक्ट अकाउंट में डालें, उसके लिए फिर आप तो थर्ड पार्टी या क्रिप्टो या और कोई मेथड जो भी आप यूज कर सकते हैं, अलग अलग प्रॉप फर्म्स के अलग अलग मेथड है तो आप उनको यूज कर सकते हैं। तो उस तरीके से अगर आप बैंक अकाउंट में नहीं ले रहे हैं तो कोई प्रॉब्लम नहीं। राकेश दुबे जी, सर बेस्ट फॉरेक्स ब्रोकर फॉर बिगिनर टू ग्रो, ईमेल में मुझे पूछे मैं आपको बताऊंगा। मैंने एक वीडियो बनाया, आप क्लियर डायरेक्ट आंसर देता हूँ, मैंने एक वीडियो बनाया हुआ है मेन ब्रोकर विच ब्रोकर आई यूज मेनली इन इंडिया, पर तीन ब्रोकर के नाम बताया हुआ है, वो आप देख सकते हैं। ठीक है, तो उन तीनों को मैंने सजेस्ट किया, पर्सनली मैं उनको यूज करता हूँ, उनमें से आप किसी को भी यूज कर सकते हैं। तो उस वीडियो को देख लीजिए, आपको पता चल जाएगा कौन सा आप यूज कर सकते हैं। सुनील, थैंक यू सुनील जी, मैं चैट में आ गया हूँ वापस। इन केस प्रॉफिट आई हैव आई लीव द ट्रेड अर्ली, व्हाट शुड आई डू? आपने प्रॉफिट टारगेट लगा दिया, स्टॉप लॉस लगा दिया, प्रोसेस प्लान को फॉलो कर लिया, ठीक है, कंप्यूटर मोबाइल को बंद कीजिए, उसको देखिए 3-4 घंटे बाद क्या होता है, प्रॉफिट हिट होता है ओके, लॉस हिट होता है ओके। अब आप फिर लीव अर्ली तो कर नहीं सकते क्योंकि फिर आप मार्केट को देखेंगे, तो अपने आप से प्रॉमिस कीजिए कि मैं नहीं देखूंगा। अगर आप अपने आप को प्रॉमिस को रिस्पेक्ट नहीं देते हैं फिर आप किसी के प्रॉमिस को भी रिस्पेक्ट नहीं करेंगे, फिर आप अपनी जो स्ट्रेटजी आप उसको भी रिस्पेक्ट नहीं करेंगे। तो एटलीस्ट जो वर्ड्स हैं आपसे कहिए कि मैं ट्रेड ले रहा हूं, मैंने प्लान पूरा फॉलो किया है, मेरा स्टॉप लॉस सही जगह पे है, मेरा प्रॉफिट सही जगह पे है, अब मैं मार्केट को नहीं देखूंगा 3-4 घंटे के लिए, अगर कुछ एडजस्टमेंट की जरूरत है ठीक है, नहीं तो फिर आपका प्रॉफिट अपने आप हिट होगा, आपको आप अर्ली एग्जिट हो ही नहीं पाए। कौन सा करेंसी ज्यादा रिस्क होता है दानिश हुसैन जी? देखिए स्विस फ्रैंक में उनसे रिलेटेड पेयर में ज्यादा, उनमें ज्यादा वॉलेटिलिटी रहती है, कभी कभी स्ट्रक्चर ज्यादा फॉलो नहीं करते हैं, या फिर एक्सोटिक पेयर, तो मेजर ठीक है, मेजर आपके 7 पेयर है जिनमें USD कॉमन है, यूरो USD, GBP USD, USD CAD, USD JPY, OG USD और NGD USD, तो ये आपके 7 major pairs हैं, इनमें आप ट्रेड कर सकते हैं। यहाँ पर आपको स्प्रेड भी कम मिलता है, उसके बाद माइनर आ जाते हैं, माइनर जिसमें आपका USD कॉमन नहीं है, तो यूरो GBP, यूरो JPY, तो इस तरीके से मिला के आपके 20 pairs के आसपास हो जाते हैं, तो इनमें से आप कोई से भी पेयर ले जाते हैं। जैसे मैंने बोला स्विस फ्रैंक में थोड़ी वॉलेटिलिटी ज्यादा रहती है, स्ट्रक्चर ठीक तरीके से ज्यादातर विक बनती है, कैंडल्स ज्यादा नहीं बन पाती है, अनलेस आप बड़े टाइम फ्रेम में हो, या फिर एक्जॉटिक पेयर जिनके आपने नाम न सुने हो वो वाले ट्रेड कीजिए। राम रतन अग्रवाल जी, थैंक यू राम जी ओके। राकेश दुबे जी, धन्यवाद सर, सदा हमारी मदद करते रहो, भगवान आपकी मदद करते रहे, एग्जाम्पली थैंक यू राकेश जी आपकी ब्लेसिंग के लिए। राकेश बोर्से, सर आप एज ए कैरियर ट्रेडिंग को कैसे देखते हो? मैं अगर कैलकुलेटेड रिस्क ले रहा हूं और मेरे ऊपर कोई प्रेशर नहीं है ट्रेडिंग का, और मैं साइड बाय साइड इसको करता हूं और उसके बेस पे मैं इनकम जनरेट कर रहा हूं, तो मेरा कैरियर इसमें बन सकता है। अगर मैं इससे आज ही पैसा कमाना चाहता हूं, आज ही इसके बेस पे डबल इनकम या बहुत सारा कुछ देखना चाहता हूं, तो फिर आप इस कैरियर को मत कीजिए। जैसा अगर आप पैसे के लिए ही इसमें आ रहे हैं, क्योंकि अगर पैसे के लिए आ रहे हैं प्रॉब्लम है, मेरा एक वेबिनार था वो जरूर देखिएगा इसके ऊपर, वो भी साइकोलॉजी के ऊपर था जो यूट्यूब पर डाला हुआ है। अगर आपका मेन मोटिव पैसा है तो प्रॉब्लम रहेगी, और पॉडकास्ट में भी एक मैंने बात की हुई थी इसके ऊपर। तो अगर आप ट्रेडिंग ट्राई कर रहे हैं, आपको इसमें एंजॉयमेंट नहीं हो रही तो प्रॉब्लम रहेगी, फाइंड आउट कीजिए पहले आप इस चीज को एंजॉय करते हैं नहीं, फिर इसमें कैरियर देखिए, साइड बाय साइड कीजिए, फिर टाइम आते हैं, जैसे आप टाइम बिताएंगे बहुत सारी चीजें सीख जाएंगे, अगर सर्वाइव कर गए 2-3 साल तो डेफिनेटली आप इसमें प्रोग्रेस करें। सर बेस्ट एंट्री टाइम पे एक वीडियो बनाए ओके दानिश जी, कोशिश रहेगी इन फ्यूचर।
ओके गाइस, हम जस्ट टाइम आउट होने वाले हैं, तो 1-2 मिनट अफकोर्स, 1-2 लास्ट क्वेश्चन अगर कोई लेना चाहो मैं ले सकता हूँ। होपफुली मैं सभी कवर कर पाया हूँ। आपके कोई क्वेश्चन यहाँ पर मिस अगर हो गए हैं तो प्लीज माफी चाहूंगा अगर मैं नहीं दे पाया हूँ आंसर। अगर बाद में यूट्यूब पर आए वहां पर इसको कमेंट्स में डाल सकते हैं, मैं वहां पर रिप्लाई करने की कोशिश करूंगा जो भी आपके क्वेश्चन हो। सर आप किस सेशन को ट्रीट करते हैं? देखिए मैं लंदन और यूएस, ये दो मेन सेशन है जिसको मैं ट्रीट करने की कोशिश करता हूँ मोस्टली। हाँ नेक्स्ट वेबिनार जैसे मैंने बताया, ये हमारे वेबिनार है, 4 वेबिनार है। आज ट्यूसडे को है, फिर एक थर्सडे को है जो आने वाला थर्सडे है, फिर अगेन ट्यूसडे और थर्सडे, तो इस वीक 2 है, अगले आने वाले वीक में 2 है, तो ये 4 वेबिनार है। आपने रजिस्टर किया होगा, आपको रिमाइंडर आ जाएगा, आप वहां से इसको ज्वाइन कर सकते हैं। सर राकेश भट्ट, आपको कितना टाइम लगा सक्सेसफुल ट्रेडिंग में? मेरे को बहुत टाइम लगा भाई, क्योंकि मेरे को राइट गाइडेंस नहीं मिली थी बिगिनिंग में। मेरे 3-4 साल तो पूरे इसी तरीके से वेट, अकाउंट डुबाने, यही करने में लगे थे। तो 4-5 साल बाद मुझे कुछ होप या रे मिली कि किस तरीके से प्रोग्रेस करना है। पहले उसे ब्रेक इवन में लाना है, ब्रेक इवन से फिर प्रॉफिट में आना है, पहले लॉस में ही है भाई। 4-5 साल तो बहुत अकाउंट डुबोए और इतना पैसा वेस्ट किया है कह सकते हैं। पर अगर वही जैसे मैंने कहा, आप सर्वाइव कर गए, रह गए मार्केट में, तो आपको आ जाएगी चीज। गोल्ड स्पेसिफिक वीडियो भी लेके आओ, एक स्ट्रेटजी बनाई थी अभी उसके ऊपर, कैंडल स्टिक के ऊपर, गोल्ड के ऊपर बहुत काम करेगी, बहुत अच्छी है, उसको देखिएगा। और गोल्ड के ऊपर एक डिटेल में क्या चीजें फंडामेंटल वो चीजें इसके बारे में कवर करेंगे, तो रिमाइंड करने के लिए। तो ओके गाइस, थैंक यू, धन्यवाद, बहुत अच्छा सेशन था, बहुत अच्छी ऑडियंस है, बहुत अच्छे क्वेश्चन आपने पूछे, और होपफुली मैं आपके आंसर दे पाया। क्वेश्चन स्टूपिड नहीं होते हैं, आंसर स्टूपिड होते हैं, तो क्वेश्चन में आप ऐसा मत समझिए कि आप हिचकते हो पूछने, तो क्वेश्चन कभी स्टूपिड नहीं होते हैं, जैसा मैंने सीखा है आंसर स्टूपिड होते हैं। तो होपफुली आपके लॉजिकली आंसर मैं दे पाया, यहाँ पर आपको कुछ सीखने को मिला होगा, और नेक्स्ट वेबिनार में फिर मिलते हैं हम, जो हमारा थर्सडे को है। तो धन्यवाद, थैंक यू गाइस, और गुड गुड इवनिंग एंड गुड नाइट।